हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? सर रोज यही पूछते हो सर आप, और कुछ पूछो ना। क्या करूं मैं, क्या पूछूं जरा बताओ। सामने होते तो मैं कुछ और पूछता, खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, पापा ने पीटा कि नहीं पीटा, मम्मी ने डांटा कि नहीं डांटा, लेकिन क्या करूं, यहाँ पे आप हो ही नहीं। खैर छोड़ो, इस पर क्या बातें करना। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं बच्चे। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, चैप्टर का नाम आपका चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। मेरे बच्चे, इसी में आज हम अगला एंड लास्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। एक बात आप ध्यान सुनना, मैं जानबूझकर इस चैप्टर में बहुत समय ले रहा हूँ, बहुत समय। मैं छोटी छोटी बातों को आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा कि आप पूरी बात समझ लिए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ये इसी पॉलिसी पे काम कर रहा हूं। एक्चुअली इसका एक रीजन है, इस चैप्टर पे जितना आपका ज्यादा कमांड हो गया, उसके बाद पार्टनरशिप में कुछ बचा नहीं मुझे कराने के लिए। और बच्चे, आपको दिखाऊंगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो आगे टॉपिक्स आएंगे, वो इतने बच्चे के खेल आपके लिए बन जाएंगे, बशर्ते कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से हमें समझना है। और इसी प्रोसेस में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लिखेंगे यहां पे, हेडिंग डालेंगे आज का टॉपिक आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट। ऐसे नया बैलेंस शीट बनाना मैंने सिखाना शुरू कर दिया है पिछले क्लासेस से, बट कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक में नाम लिख के उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। सर ये क्या है? सर बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, और मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप ना मुझ पे गुस्सा करोगे मेरे बच्चे, इसलिए आप लिखिए मेरे साथ यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। आप लिखेंगे मेरे साथ यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, और इसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में आप पहले मेरे साथ एक एग्जाम्पल बनाएंगे, और एक बैलेंस शीट मैं आपको दिखाता हूं। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट जो आपका है ऑफ एक पार्टनरशिप फॉर्म है मेरे बच्चे, ये कहता है कि एज ऑन, चलो 31st क्या ले लूँ मैं, दिसंबर 2019 ले लेता हूँ, 18, 19, 20 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आप इस बैलेंस शीट को बनाओ, इस बैलेंस शीट को, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा ही सही, लेकिन आप बनाओ ना यहाँ पे पहले बैलेंस शीट आपका। और हाँ, अभी दिमाग में इफ और मत आने देना, जितनी बातें समझाऊंगा उतना ही आपने समझना है। लिखो यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग कहता है कि आपका 8 लैक्स का है, बिल्डिंग आपका 8 लैक्स। मशीन, मशीन ये कहता है कि 5 लैक्स का अमाउंट आपका है। फिर कहता है डेटर्स, डेटर्स यानी कि जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं मेरे बच्चे, 2 लैक्स का अमाउंट। देयर इज कैश, 1 लैक का अमाउंट। फिर मैं आपको यहाँ पे और भी कुछ लिख दूँ क्या? चलो स्टॉक लिख लो आप यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक 4 लैक्स का अमाउंट। तो ये टोटल जो अमाउंट आपका है, ये हो गया यहाँ पे 20 लैक्स का अमाउंट आपका, 20 लैक्स का अमाउंट। इस साइड आई आप यहाँ पे, इधर आएंगे, कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसमें 2 पार्टनर दे देता हूँ, राम और दूसरा श्याम। राम का जो कैपिटल है वो कहता है कि मान लो आपका 4 लैक्स का अमाउंट है, और श्याम का कैपिटल कहता है कि 6 लैक्स का अमाउंट है। टोटल कितना हो गया आपका? 10 लैक्स का अमाउंट। लिखते चलो आप मेरे साथ। फिर यहाँ पे एक नाम कहता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप जानते हैं कि जब रेशियो चेंज होता है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि झगड़ा ना हो। ये आपका 2 लैक्स का अमाउंट है यहाँ पे, 2 लैक्स रुपीज। और मेरे बच्चे, यहाँ जो हमारी लायबिलिटी है उसमें एक नाम लिख दो, क्रेडिटर्स, 3 लैक्स का अमाउंट। और एक कहता है आपका बैंक लोन, बैंक लोन कितना जी? 5 लैक्स का अमाउंट, 5 लैक्स। टोटल कितना आपका हो गया यहाँ पे? 20 लैक्स का अमाउंट, 20 लैक्स। नीचे लिखेंगे आप इसके बाद, बैलेंस शीट के बाद। बन गया ये बैलेंस शीट आपका, बैलेंस शीट बन गया बच्चे। बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स, कैश, स्टॉक,
टोटल 20 लैक्स, और इधर भी आपका 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, ये 20 लैक्स। कहते हैं पार्टनर्स वेयर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2, इनका रेशियो 3:2 का था। कहता है कि ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी कि जिस दिन बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, साथ साथ लिख रहे हैं आप, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। कहता है कि अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो हमारा प्रॉफिट होगा हम उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, दिमाग में अभी कोई इफ और नहीं आएगा, जितनी बातें बोलूंगा उतना ही सोचना है, उतना ही समझना है, टॉपिक को स्मूथली अपने दिमाग में चलने देना। कहता है आज यहाँ पे ऑन अबव डेट एसेट्स वेयर रीवैल्यूड एज फॉलो। सर एसेट्स रिवैल्यू किया? सर हाँ, मतलब अभी बताऊंगा, लिखो पॉइंट नंबर वन। कहता है कि बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹9,20,000। और नंबर टू कहता है आपका यहाँ पे मशीन वैल्यूड एट ₹5,80,000, कुछ भी हो सकता था, 580 आपका। मेरे बच्चे रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों होता है मैं बताऊंगा, आप लिख दो यहाँ पे। तो ये ना मैं यहाँ देखो, यहाँ मैं इसको पॉइंट नंबर वन बना देता हूँ या पॉइंट नंबर ए बना देता हूँ। पॉइंट नंबर ए में दो बातें दी गई है, पॉइंट नंबर बी लिखिए आप यहाँ पे। पॉइंट नंबर बी कहता है कि जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो तो हमेशा करते हैं। कहता है कि अब यहाँ पे प्रिपेयर एक तो रिवॉल्यूशन अकाउंट। सर ये क्या होता है लिखो, पहले बताऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये तो आप जानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। लो एक चीज और लिख दो यहां पे, ऑल्सो मेक जर्नल एंट्रीज भी हम यहां पे आपको सिखा देंगे। एग्जाम में तो जो बोलेगा वही काम करना है, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, हम बातें यहां पे समझ रहे हैं मेरे बच्चे, इसलिए हम ऐसे सब कुछ कराएंगे जो मेरा मन करेगा। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, सर हाँ। अब ना मैं कुछ लिखूंगा इस साइड जिसकी कॉपी आपने नहीं करनी, जितनी बातें यहां पे बताऊंगा वो आपके दिमाग के नसों में बैठ जाए, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स 12 क्लास में लेने हैं तो। बस मेरी बात ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आप मेरी बस बात सुनो, लिखना बंद करेंगे आप, मेरी बात सुनो। देखो एक बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट के अंदर में मैं कुछ नाम दिखाता हूं, जैसे कि चलो मैं पूरी कहानी बताता हूं, जरा सुनो मेरी बात। पता है दो पार्टनर हैं ए और बी, मैं पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, अब सुनना मेरी बात, आपको लिखना नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा रहा हूं। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ए का 6 लाख रुपीज कैपिटल है और बी का मान लो 4 लाख रुपीज है। सर यहाँ से देख रहे हो? नहीं बच्चे, यहाँ छोड़ दो, आप इसको देखना ही बंद कर दो, बस मेरी बात सुनो, कितना हो गया 10 लाख रुपीज। जब ये पार्टनरशिप फर्म जब ये स्टार्ट हुआ था ना ये फर्म, तो ए और बी टोटल 10 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आए थे,
जिसमें से 6 लैक्स आप एंड 4 लैक्स आप। जब ये पैसा लेकर आए होगे ना तो बिजनेस में कैश आया होगा, कितना आया होगा 10 लैक्स। आपको लिखना नहीं, बस मेरी बात सुननी है, यहाँ पे 10 लैक्स रुपीज आया होगा, आया होगा ना बच्चे? सर हाँ। फिर अब इन्होंने क्या किया, इस 10 लैक्स रुपीज से कई सारे एसेट्स परचेज किए, जैसे कि इन्होंने बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग मान लो इन्होंने लिया 6 लैक्स रुपीज का, तो 6 लैक्स का बिल्डिंग लेते ही कैश कम हो गया, कैश कितना हो जाएगा अब 4 लाख रुपए। अगर बिल्डिंग हमने कैश पे लिया है तो कैश कम हो जाएगा, बिल्डिंग बढ़ जाएगा। फिर मेरे बच्चे इन्होंने एक मशीन परचेज किया, मशीन मान लो 3 लाख रुपए का, 3 लैक्स का, तो मशीन 3 लैक्स आया तो कैश 3 लैक्स से कम हो गया, 1 लाख रह गया, एंड सो ऑन, ऐसे बात चली। और देखो 10 लैक्स 10 लैक्स दोनों से टैली कर रहा है, 10 लाख 10 लाख रुपए। मुझे ये बताओ कि इस फर्म में टोटल एसेट्स कितने के हैं, 10 लैक्स के। टोटल एसेट्स कितने के हो गए, 10 लैक्स। और इस 10 लैक्स में जरा बताओ आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 6 लैक्स। आपका कंट्रीब्यूशन कितना, 4 लैक्स। ये बातें मैंने आपको समझाई है। कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं इनमें से आपने कितना दिया है जी, 6 लाख रुपए, आपने कितना दिया, 4। ये क्लेम है ओनर का जो इतना बताया गया है। एक बात बताओ आप, और हाँ मैं एक चीज और बता दूं, इनका जो रेशियो था ना बच्चे, वो रेशियो मान लो 3:2 का था प्रॉफिट रेशियो आपका। अब मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बात बताइए, ये जो एसेट्स 10 लाख रुपए के हैं, इस 10 लैक्स के सेट्स में आपका कितना है जी, 6 लैक्स। आपका कितना है, 4 लैक्स। ये बात समझ में आ रही है सर? हाँ, मैं इस रेशियो को थोड़ा चेंज कर लूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मान लो ये 2:1 है सर, ऐसा क्यों, ऐसे ही मन किया होता है पता है, हमारे 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 देश में जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मेरे बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर क्या होता है, जो अकाउंट्स के रूल बनाता है, अभी ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, आप छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं बताऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इतना मतलब समझ लो कि जो हमें सिखाता है कि एक्चुअली अकाउंटिंग कैसे होता है, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इसके बारे में सीखेंगे। वो कहता है कि देखो जी, आपके जो एसेट्स हैं ना, जो बिल्डिंग आपका 6 लैक्स का था, उसको टाइम टाइम पे आप उसको रिवैल्यू करना। मतलब सर जरा बताओ, जो बिल्डिंग आप इसको छोड़ो, आपके पापा मम्मी ने एक घर लिया था आज से 50 साल पहले, 50 इयर्स बैक, और वो घर उनको 5 लैक्स का मिला था। जरा बताओ क्या वो घर आज भी 5 लैक्स का ही है क्या? 50 साल पहले जो घर लिया गया था, 50 इयर्स के बाद आज वो 5 लाख का ही होगा क्या? नहीं सर, उसकी कीमत बढ़ गई होगी सर, बढ़ गई होगी मेरे बच्चे, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया होगा। तो हमारा अकाउंट्स भी कहता है कि आपको टाइम टाइम पे अपने एसेट्स के, अपने लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है। मतलब आप चाहो तो उसकी वैल्यू को मार्केट में जो वैल्यू है ना उसके मुताबिक चेंज कर सकते हो। तो पता हमें क्या दिखाई दिया, जरा सुनना, ये 6 लैक्स की जो बिल्डिंग है ना, 6 लैक्स की बिल्डिंग, ये बढ़कर आज मान लो इसकी वैल्यू 7 लैक्स हो गई। मान लो, मैं कहता हूँ कि मान लो जो बिल्डिंग आपका 6 लाख रुपए का था, आज मार्केट में उसकी वैल्यू 7 लैक्स हो गई है। तो पता है हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है, हमारा अकाउंट्स कहता है भैया अगर आपका बिल्डिंग 6 वाला 7 लैक्स का हो गया ना, तो बिल्डिंग को आप बुक में 7 लैक्स पे दिखाओ, 6 लैक्स पे मत दिखाओ। हमने कहा कि ठीक है, हम मान लिए अगर बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू आज मार्केट में 7 लैक्स हो चुकी है तो हम 7 लैक्स दिखाएंगे। लेकिन जरा सोचो कि अगर बिल्डिंग जो 6 लैक्स था, अगर मैं इसको हटा के 7 लैक्स कर दूं, तो अब मेरा एसेट्स का टोटल कितना हो गया, जरा बताओ एसेट्स का टोटल कितना हो जाएगा सर? 3 + 7 + 1, ये आपका कितना हो गया, 11 लैक्स रुपीज, 11 लैक्स रुपीज। ओहो, तब तो मेरा बैलेंस शीट ही टैली नहीं करेगा, मेरा बैलेंस शीट ही टैली नहीं करेगा, क्योंकि आप जरा देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 10 लैक्स हो गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे अकाउंट्स कहता है कि आप बताओ बिल्डिंग जो 6 लैक्स का था, अगर वो 7 लैक्स का हो गया, तो आपने बिल्डिंग को जो रिवैल्यू किया, आपने बिल्डिंग को जो रिवैल्यू किया, मतलब फिर से उसकी मार्केट वैल्यू जो देखा, उस पर आपको फायदा हुआ कि घाटा हुआ? हमने कहा कि यार 6 लैक्स की बिल्डिंग आज 7 लैक्स की हो गई है, तो हमें तो 1 लैक का यहाँ पे फायदा हुआ है, फायदा मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है मेरे बच्चे, प्रॉफिट हुआ ऑन रिवैल्यूएशन, हमें एसेट्स को रिवैल्यू करने पे 1 लाख का फायदा हुआ है। तो पता है हमें अकाउंट्स क्या बोलता है, ये फायदा जो 1 लाख रुपए का हुआ वो भी पार्टनर्स का ही तो है,
अरे वो भी पार्टनर्स का ही तो है, क्योंकि आज बिजनेस में कोई भी चीज जो बढ़ेगी घटेगी, उस बढ़ने घटने का जो फायदा होता है वो पार्टनर्स का ही तो होता है, जो कंपनी के मेन मालिक है, फर्म के मालिक है। तो अकाउंट्स कहता है कि काम करो, ये जो 1 लाख का फायदा हुआ ना, इस फायदे को भी पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड कर दो। ये जो 1 लाख का आपका जो बिल्डिंग की वैल्यू आपने बढ़ाया, वो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दो। हमने पूछा कि ये 1 लाख जो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड किया जाएगा ए और बी में, हम किस रेशियो में ऐड करें, किस रेशियो में? कहते हैं कि भैया जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, कोई भी प्रॉफिट लॉस हो, वो प्रॉफिट रेशियो में जाएगा, वो प्रॉफिट रेशियो में जाएगा। और प्रॉफिट रेशियो क्या है जी? 2:1 आपका। तो मेरे बच्चे यानी कि 66,667 और 33,333 राउंडिंग अप में इतना इतना इस 1 लाख में आप लोग का क्लेम बना। हमें क्या करना होगा? टू मेक आवर बैलेंस शीट इक्वल, हमें इतना फायदा जो है ना इनके अकाउंट में ऐड करना होगा 66,667, और इनके अकाउंट में कितना ऐड करना होगा जी? 33,333। तो इससे क्या होगा मेरे बच्चे? आप देखो यहां पे जो 6 से बढ़ के 7 हो गया, यानी कि 1 लाख का जो इस साइड आपने वैल्यू इंक्रीज किया, आप पार्टनर्स के कैपिटल में भी 1 लाख रुपीज क्या करोगे? ऐड कर दोगे। 1 लाख वो बढ़ा, 1 लाख ये बढ़ा, अब आपका बैलेंस शीट टैली कर जाएगा, कर गया टैली आपका। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आप समझ मेरी बात? इट्स वेरी सिंपल। मैं जितनी बातें कर रहा हूं आपके ही लैंग्वेज में कर रहा हूं, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है मेरे बच्चे। कि अगर मान लो किसी एसेट्स को रिवैल्यू करता हूं, अगर ये घर मेरा है, अगर ये घर मेरा है और इसकी वैल्यू को हमने रिवैल्यू कर दिया, बढ़ा दिया, तो उस बढ़े हुए घर का जो वैल्यू है उसका फायदा मुझे ही तो मिलना चाहिए। गलत बोल रहा हूं क्या? तो जो एसेट्स बढ़ेगा वो पार्टनर्स को यहां पर मिल जाएगा। आप मुझे बताओ, मैं और मेरा एक भाई है और ये बिल्डिंग मान लो हम दोनों भाइयों की हैं, और अगर इस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गया तो उसका फायदा किसको मिलेगा? सर, दोनों भाई को। किस रेशियो में? प्रॉफिट रेशियो में, जो हमारे बीच का प्रॉफिट रेशियो होगा जी। और रेशियो अगर नहीं बताता तो इक्वल, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड ना हो तो इक्वल मानेंगे आपका। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो आपके घर की कहानी बता रहा हूं बस। तो जो वैल्यू आपका बढ़ गया उसका फायदा हम पार्टनर्स को देंगे। बात से मारिए सर। हाँ सर, हाँ, कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं एक और यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दिखाना चाहता हूँ, बस मेरी बात सुन लो। आज की बात अगर समझ में आ गई ना, तो समझो कि कभी कभी भी अंधकार नजर नहीं आएगा, रात हो जाएगी मेरे बच्चे, सारी दुनिया सो जाएगी, फिर भी आपको सब जगह उजाला ही उजाला नजर आएगा, क्योंकि आपके अंदर में इतनी सारी शक्तियां आज भरने वाली हूँ, माफ कीजिए भरने वाला हूँ, कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं कुछ दिखाता हूँ एक बार दोबारा, बैलेंस शीट आपका एक फॉर्म का, बस आप लिखना नहीं, मेरी बात सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे मशीन है, चलो कहानी पूरी बताता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पे दो पार्टनर्स मान लो ए और बी, इनका कैपिटल 7 लाख, इनका कैपिटल 5 लाख, यानी कि इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 12 लाख रुपीज बिजनेस में लेकर आए थे। तो बताओ बिजनेस में कैश कितना हो गया? 12 लाख रुपीज का अमाउंट, 12 लाख। मेरे बच्चे इन्होंने क्या किया, फिर एक बैंक से लोन लिया था, और लोन मान लो 5 लाख रुपीज का था, तो बताओ 5 लाख रुपए और भी तो कैश आए होंगे। तो 12 इनसे आया, 5 इनसे आया, कैश टोटल कितना हो गया? 17 लाख। ये बातें बहुत ध्यान से समझना। एक मेरी क्लास जब आपके पास गई होगी तो पहली क्लास जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जो मैंने आपको भेजा हुआ है मेरे बच्चे, उसमें ये सारी बातें डिस्कस किया हुआ है। एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। और मान लो वो क्लास आपके पास नहीं गया, ऐसा होगा नहीं, हमेशा जाएगा, बट नहीं गया तो YouTube पे मैंने रखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के नाम से, उसको आप पढ़ लेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर। बट मैं मुद्दे पे आता हूं, मैं कहां जा रहा हूं। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17 लाख। पर बच्चे इस 17 लाख में से हम लोगों ने क्या किया? बिल्डिंग परचेज किया। बिल्डिंग कितने का? मान लो 6 लाख रुपीज का। पर बच्चे हमने इसमें से मान लो फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर कितने का? मान लो 4 लाख रुपीज का। हमने यहाँ से मान लो कुछ मशीन भी लिया, सर कितने का? मान लो आपका 5 लाख का।
तो जरा बताओ 17 लाख में से कितना खर्च हो गया 15, कितना बच गया यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट। चलो हमने स्टॉक भी परचेज कर लिया 1 लाख रुपीज का, 1 लाख का, तो कैश हमारे पास कितना हो गया 1 लाख एंड सो ऑन। मेरा सिर्फ ये मकसद है आपको बताना कि हमारे पास टोटल जो 17 लाख रुपीज आए थे, 17 लाख 12 आपसे 5 इनसे, वो 17 लाख हमारे पास ये डिफरेंट एसेट्स के रूप में हमारे पास पड़े हुए हैं। और हाँ, इन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट रेशियो है, मान लो इस पर आपका 2:3 का है, कुछ भी रेशियो होगा क्वेश्चन बताएगा, रेशियो नहीं बताता, वी ऑलवेज एज्यूम इक्वल रेशियो है। बताया है ना मैंने आपको सर? हाँ सर, हाँ। तो आप देखो 17 17 यहाँ पे टैली हो रहा है। मेरे बच्चे बात मेरी ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज मान लो आज के दिन पे, आज का दिन आपका मान लो 31 दिसंबर 2018 है, कुछ भी हो सकता है। आज आज हमने क्या किया, हमने अपने एसेट्स को चेक किया कि कौन कौन से एसेट्स हैं और उनमें क्या चेंजेज आए हैं। तो मेरे बच्चे हमें दिखाई दिया कि जो बिल्डिंग हमारा 6 लाख का है ना, एक्चुअली इसकी वैल्यू आपका 6,50,000 हो चुका है, मतलब वैल्यू बढ़ गया है। फर्नीचर जो 4 लाख का था, ये आपका मान लो यहाँ पे 4,20,000 का आपका हो चुका है। ये मशीन जो 5 लाख का था, मान लो यहाँ पे 5,50,000 का हो चुका है, या चलो मैं इसको 560 ले लेता हूँ, 5,60,000 रुपये। स्टॉक में कोई चेंज नहीं, स्टॉक सेम आपका है, कैश में कोई चेंज नहीं, इन तीन में इस पर मैंने चेंजेज बताया। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? तो सर हमें इनको रिवैल्यू करना होगा, करूंगा मेरे बच्चे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, मैं कुछ ब्लू में लिखूंगा आपको समझाने के लिए। आप मुझे बताओ बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 50,000। तो मेरे बच्चे बिल्डिंग अगर 50 से बढ़ा तो यहां भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। क्योंकि कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा उससे पार्टनर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे बच्चे कि अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो हम आपको कुछ ज्यादा पेमेंट कर देंगे। कभी सुना है क्या, कभी सुना आपने कि अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई या एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो लायबिलिटी को कम ज्यादा पे करते हैं? अगर आपके पापा ने एक घर लिया है 20 लाख रुपए का, 20 लाख का घर लिया है जिसमें से 8 लाख का उन्होंने बैंक से कर्ज लिया था, वो अगर घर की कीमत बढ़ जाती है तो क्या कर्ज ज्यादा पे करते हैं क्या? बैंक वाले को बोलते हैं कि देखो जी आपने 8 लाख रुपए कर्ज दिया था लेकिन हमारे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो कोई बात नहीं, हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। कभी सुना है क्या ऐसा होता है? कभी सुना आपने कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से हम बेनिफिट लायबिलिटी वालों को देते हैं? नहीं सर, अगर वैल्यू बढ़ा तो उसका बेनिफिट हमें उसके मालिक को मिलेगा, और इस फर्म का मालिक कौन है? पार्टनर्स आपके हैं। तो मेरे बच्चे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी चाहे घट जाएगी, इनका फायदा पार्टनर्स को मिलेगा, लायबिलिटी को नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। अब मेरी बात सुनना, जरा बताओ बैलेंस शीट टैली कैसे होगा? अगर 6 लाख की वैल्यू 650 हो गया तो 50,000 से यहां पे अगर वैल्यू को बढ़ाओगे तो हमें पार्टनर्स कैपिटल को भी 50 से बढ़ाना होगा, और 50 में 2:3 यानी कि 20,000 आपका बढ़ाना होगा और 30,000 आपका बढ़ाना होगा, तभी तो होगा। 50 ये बढ़ गया, 50 ये बढ़ गया। जो फर्नीचर आपका 20,000 से बढ़ रहा है, अगर फर्नीचर की वैल्यू को आप इस साइड 20,000 से बढ़ाओगे तो पार्टनर्स में जो 20,000 बढ़ाना होगा 2:3, तो 20,000 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 आपका हो गया और यहाँ पे इनका 12,000 का अमाउंट हो। ऐसे लिख रहा, बस मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट टैली कर रहा हूँ। मशीन में अगर 60,000 आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो यहाँ भी तो बढ़ाओगे, 60 में 2:3 तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 24,000 और यहाँ पे आपका 36,000। ये काम करेंगे आपका, जितनी वैल्यू यहाँ बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, बैलेंस शीट टैली कर गया। अगर मुद्दा, अगर मकसद हमारा बैलेंस शीट टैली करना है, और जो हमेशा होता है मेरे बच्चे, तो एसेट्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल में वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना सर? हाँ सर, लेकिन थोड़ा गंदा नहीं लग रहा है? आप देखो मैं जो नया बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, उसमें बिल्डिंग में 650 दिखाऊंगा, फर्नीचर में 420 बढ़ाऊंगा, मशीन ये, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में बार बार प्लस माइनस करना मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा है। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, तो पता मैं बच्चे क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये बार बार जो प्लस प्लस माइनस करना पड़ रहा है ना, इस चक्कर से बचने के लिए मैं बना लेता हूं एक आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप बस मेरी बात सुनो, मैं आज की क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बहुत मस्त तरीके से आपके दिमाग में बैठा दूंगा। मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट,
और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं क्या करूंगा कि एसेट्स को जब रिवैल्यू करते हैं, और मेरे बच्चे मुझे अगर कोई घाटा होता है, घाटा, तो मैं घाटा यहां लिखूंगा। सर यहां क्यों लिखेंगे, इसका भी रीजन है, आगे बताऊंगा। अभी आपने कहा था ना कि सर हम इफ और नहीं बोलेंगे, बस मेरी बात सुनो। अगर मैं किसी एसेट्स को रिवैल्यू कर रहा हूं, अगर मैं किसी लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहा हूं, और रिवैल्यूएशन करने में अगर मुझे लगता है कि घाटा हो रहा है, तो घाटे को मेरे बच्चे मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा। और अगर रिवैल्यूएशन पे कोई फायदा होगा, अगर फायदा होगा तो मैं उसको यहां रिकॉर्ड करूंगा। बस मैं पता क्या करना चाहता हूं, बार बार जो पार्टनर्स कैपिटल में यहां पर प्लस माइनस किया जा रहा ना, मैं इससे बचना चाहता हूं मेरे बच्चे। मैं नेट घाटा फायदा जानना चाहता हूं। देखो मैं कैसे करूंगा, आप मुझे बताओ, मैं इसको हटाता हूं, मुझे बताओ जरा, आप यहां पे क्वेश्चन देके बताओ, मैं इसको भी हटाता हूं, मैं इसको भी, जो मेरा पहले पोजीशन था मैं उसको लेकर आ गया, ये लीजिए, ये मेरा पहले से पोजीशन था। सर अब क्या करो, बस सुनते चलो, बस सुनते चलो। ये कितना हो गया, 12 लाख का अमाउंट था। अब मुझे बताइए कि बिल्डिंग आपका 6 लाख से बढ़ के 650 का हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने से आपको घाटा हुआ कि फायदा हुआ, बोलो ना। सर फायदा हुआ, तो फायदा इस साइड लिखो, बाय बिल्डिंग। बताओ बिल्डिंग की वैल्यू में कितने का फायदा हुआ, सर 50, तो मैं 50,000 यहां दे दूंगा, 50,000। आप बताओ फर्नीचर की वैल्यू आपका 20,000 से बढ़ गया मेरे बच्चे, अगर फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गया तो बताओ घाटा हुआ कि फायदा हुआ, सर फायदा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे फर्नीचर में, बाय फर्नीचर मैं फायदा रिकॉर्ड करूंगा 20,000। बच्चे मशीन जो 5 लाख का था वो 560 हो गया, मशीन की वैल्यू बढ़ गई, घाटा हुआ कि फायदा हुआ, सर फायदा हुआ, यहां लिखूंगा। सर क्या हमेशा फायदा होगा, नहीं बच्चे घाटा भी होगा, मैं आऊंगा ना, अभी फिलहाल हमें फायदा हो रहा है, कितने का, 60,000 का। ये देखो मैंने अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट्स में हमें अकाउंटिंग करना होता है, हमें हर एक चीज को प्रेजेंट करना होता है, समझाना होता है, तो जरा बताओ कि टोटल आपको फायदा कितने का हो गया। तो सर ये 50, 20, 70 और ये 1,30,000। बच्चे 130 जो टोटल फायदा आ गया ना, हम इसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। हमने पहले भी इसको प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ही कहा था, लेकिन अब हमने क्या किया, अब बार बार जो यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ रहा था ना, वो गंदा गंदा दिख रहा था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस अकाउंट को बना के टोटल फायदा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 130 हो गया, जरा बताओ ये टोटल फायदा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को कि लायबिलिटी को, सर पार्टनर्स को, ए और बी किस रेशियो में, 2:3, जो भी प्रॉफिट रेशियो होगा। तो जरा बताओ 130 का जो अमाउंट है, 130 का जो फायदा है, अगर मैं 2:3 में करूं तो ये आ गया 52,000 का फायदा इनको मिलेगा। और जरा बताओ इनको कितना मिल गया आपका यहाँ पे, सर ये मिल गया 78,000 का फायदा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 130 का फायदा, एंड बोथ साइड गॉट इक्वल, दोनों साइड इक्वल हो गया। मतलब हमें, हमने क्या किया, टोटल फायदा इकट्ठा किया और कहा कि भैया 130 का आपका टोटल हो गया। अब पता मैं क्या करूंगा, वो जो बार बार प्लस माइनस नहीं कर रहा था, उसके जगह पे मैं सिर्फ एक बार यहाँ पे ऐड कर दूंगा 52,000, और एक बार यहाँ पे ऐड कर दूंगा कितना जी, 78,000। तो इससे क्या हुआ, वो गंदगी जो नजर आ रही थी ना बार बार करने वाला, वो एक बार में हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 12 लाख का जो अमाउंट है, जरा बताओ अब कितना हो जाएगा। तो सर इनमें 52, इसमें 78 ऐड हुआ, तो अब ये इनका कैपिटल कितना हो गया, 752, और इनका कितना हो जाएगा जी आपका यहाँ पे 578। तो टोटल आपका कितना हो गया यहाँ पे, ये दोनों का मिला के हो गया 13 लाख और आपका 30,000, है ना, जो 12 लाख पहले से था, 130 ऐड किया, 1330 हो गया। बिल्डिंग में हमने अब कितना रिकॉर्ड कर लिया, अब हमारा वैल्यू 650 हो गया, फर्नीचर नया में इतना हो गया और ये इतना हो गया, दोनों साइड बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। मेरे बच्चे मेरा मकसद सिर्फ बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं, मेरी बात सुनो। मैं तो बिना बनाए भी काम कर सकता था, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया था, लेकिन मेरे बच्चे कोई पूछ दे रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों बनाते हो, तो आप उनको समझाना कि फर्म के अंदर में हजारों एसेट्स होते हैं, हजारों लायबिलिटी होते हैं। जिस दिन हम रिवैल्यू करते हैं, हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, किसी की घट गई, तो जिनकी वैल्यू बढ़ेगा उस पर फायदा होगा, जिनका घटेगा घाटा होगा। हम कितनी बार पार्टनर्स कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे,
इससे अच्छा क्या है जी कि जो भी एसेट्स बढ़ा, जो भी एसेट्स घटा, लायबिलिटी कुछ बढ़ गया, लायबिलिटी कुछ घट गया, इससे जो नेट घाटा फायदा होगा हम वो पता कर लेंगे अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में। नेट घाटा फायदा, ये देखो नेट जो टोटल मिला के आपका इतना निकल के आया, नेट घाटा फायदा, और वही घाटा फायदा हम पार्टनरशिप कैपिटल में ऐड कर देंगे, काम पूरा हो जाएगा। आप समझ लो मेरी बात ना? सर हाँ सर हाँ। मेरे बच्चे बस मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया, मुझे सिर्फ आपको बताना था कि रिवेल्यूशन अकाउंट आखिर हम क्यों बनाते हैं। रिवेल्यूशन अकाउंट मेरे बच्चे इसी चैप्टर में नहीं, कभी भी बना सकते हैं, जब भी हम एसेट्स लायबिलिटी को रिवेल्यू करेंगे, और हर एक एसेट्स और हर एक लायबिलिटी को रिवेल्यू करना पड़ेगा, तब तब हम बनाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर आता हूँ, मुझे अब समझाने का काम खत्म हो चुका है, बस बातें आपके दिमाग में ऐसे बैठने वाली है। देखो जरा क्या मैं यहाँ पे अब सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आपका। पहले मैं यहाँ पे आपको वो डायग्राम दिखाऊं, बताओ पहले पार्टनर्स कौन कौन है? तो सर राम और दूसरा कौन है? श्याम। यहाँ पे राम श्याम, ठीक है, बताओ इनका पहले से रेशियो क्या बता रहा है? रेशियो इनका पहले से 3:2 का लिख देता हूं, आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो। मेरे बच्चे कहता है कि आज जो दिन है ना, आज दिन आपका वो कहता है कि 31 दिसंबर 2019 है, कहता है कि इस दिन के बाद जो राम और श्याम हैं इनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वली हो जाएगा, 1:1 आपका। इस दिन के बाद रेशियो इनका 1:1 हो जाएगा। मेरे बच्चे हमें डिस्प्यूट्स खत्म करना है, हमें झगड़े खत्म करने हैं इस पार्टनरशिप के, बोलेगा तो भी नहीं बोलेगा तो भी, क्योंकि अगर हमने झगड़ा खत्म नहीं किया तो उस केस में यहां पे परेशानियां बढ़ेंगी, आगे इस पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स होगा, पार्टनरशिप टूट जाएगा, और अगर पार्टनरशिप टूट गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस बंद अगर हो गया तो हमारे और आपके जैसे जो CA CMA CS जो बनने वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं बच्चे, क्योंकि हम लोग किसी फर्म कंपनी के लिए तो काम करते हैं, हाँ अकाउंटेंसी। तो जरा बताओ हम तो सोचेंगे ना अपने बारे में कि पार्टनरशिप फर्म लंबा चले, तो देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पे मेरी बात सुनो, आज जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि भैया रेशियो इक्वल होगा, मेरे बच्चे हमें वहाँ पे ध्यान से सारे झगड़े खत्म करने हैं, सारे झगड़े। एक तो पहले क्या करना होगा, आज के दिन पे हमें अपने एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करना होगा। सर उन्हें क्यों रिवैल्यू करना होगा? मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे, आज के दिन इस दिन पे अगर कोई वैल्यू एसेट्स की बढ़ गई है या कोई वैल्यू घट गई है, कुछ भी हो, तो उसके बढ़ने घटने से जो घाटा फायदा होगा ना, जो प्रॉफिट लॉस होगा, वो राम श्याम को इस रेशियो में मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे आज जो बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स लायबिलिटी हैं वो पहले से क्रिएट किए हुए हैं, पहले से वो एसेट्स लायबिलिटी हमारे पास आए हैं, हमने पहले परचेज किया है, तब परचेज किया था जब रेशियो हमारा 3:2 का था। मेरे बच्चे आज के पहले यानी कि आज के बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी है अगर उसमें कोई भी वैल्यू बढ़ता है या वैल्यू घटता है, उसका घाटा फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलना चाहिए इस रेशियो में। अगर हमने आज एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू नहीं किया और मान लो बाद में कभी उसकी वैल्यू बढ़ गई, अगर मान लो आज हमने वो घाटा फायदा रिकॉर्ड नहीं किया और मान लो बाद में उस एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया, तो जो भी घाटा फायदा होगा बच्चे इस रेशियो में चला जाएगा, जो गलत होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, आज जो हमारे बैलेंस शीट में है और आज तक जो वैल्यू बढ़ा है, वो वैल्यू का बढ़ना या घटना हमें इस रेशियो में मिलना चाहिए। इसके बाद कोई वैल्यू बढ़ेगा घटेगा तो इस रेशियो में जाए। इसलिए झगड़े खत्म करने के लिए आज जब कोई रेशियो में चेंज आता है ना, तो हम क्या करते हैं कि आज हम एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं और रिवैल्यू करने में जो भी घाटा फायदा होता है हम आपको इस रेशियो में दे देते हैं, क्योंकि वो सारा घाटा फायदा आज के पहले का है, आप इस रेशियो में ले लो ताकि बाद में डिस्प्यूट्स ना हो। हमें ये काम करना होगा। साथ ही साथ अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा है मेरे बच्चे, रिजर्व जो पहले से क्रिएट हुआ पड़ा है, तो वो भी हम आपको इस रेशियो में दे देंगे। बात हमने पहले से पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना हमने? सर हाँ मेरे बच्चे, इसी बात को मैं आपको यहाँ पे अकाउंटिंग में समझाता हूँ, बिल्कुल स्लोली आपकी भाषा में। कोई मैं अकाउंटिंग की भाषा की बात नहीं करूँगा, आओ ना पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ पे बना ले आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट।
आइए हम बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। कोई पूछ दे आपके घर से बाहर निकलने के बाद, जब कोई पूछ दे कि यार रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, आप कहना वो नेट घाटा नेट फायदा क्या हुआ एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने में आज के दिन पे, उसको पता करने के लिए, क्योंकि हजारों एसेट्स होते हैं, कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, कितनी बार घाटे फायदे को पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे नेट घाटा फायदा इकट्ठा करके काम पूरा करेंगे। और हाँ, हमारे सर ने कहा था इस अकाउंट में जितने भी आपके घाटे होंगे घाटा उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा और जितने भी आपके फायदे होंगे उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। सर एग्जाम में भी क्या हम यहां पे घाटा और यहां पे फायदा लिखेंगे? नहीं बदमाश, एग्जाम में मत लिख देना। अरे एग्जाम में तो इसको डेबिट और इसको क्रेडिट साइड ही बोलते हैं। ये तो समझाने का तरीका है कि जितने घाटे होंगे यहां पे फायदा यहां पे, ऐसा क्यों होता वो भी थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा, बस लिखो तो कम से कम। आओ ना देखते हैं क्या क्या रिवैल्यू किया गया। बिल्डिंग कहता है 920, एक मिनट बिल्डिंग था कितने का 8 लाख, आज कितना हो गया 920। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई मेरे बच्चे, बोलो ना एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा तो खुशियां आएंगे कि दुख होगा? सर खुशी होगा, फायदा होगा, तो लिखो ना यहाँ पे फायदा, फायदे साइड में आप कह देना बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग। बोलो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने में कितने का फायदा हो गया? 120 का। मेरे बच्चे जितने से फायदा हुआ वो रिकॉर्ड किया जाएगा, 8 लाख तो पहले से बैलेंस शीट में था ही, आज 920 का हो गया, 120 का फायदा हो गया, 120। आगे पढ़ना, मशीन कहता है कि 580 था कितने का 5, अरे 5 लाख की जो मशीन थी आज बढ़ के 580 का हो गया, यहां भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा, यानी कि यहां भी फायदा रिकॉर्ड कीजिए। मशीन, मशीन कितने का फायदा आपको हो गया जी यहां पे 80,000 का, तो 80,000 का आपका फायदा हो गया। और कोई घाटा फायदा हुआ है क्या? नहीं सर, दो ही एसेट्स को रिवैल्यू किया गया है और किसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अगर किसी एसेट्स के बारे में कुछ ना बताए तो उतने ही वैल्यू आप एज्यूम करना जितना बैलेंस शीट में है। मतलब आपका बैलेंस शीट में कितना था जी डेटर्स 2 लाख, तो 2 लाख का ही है, कोई घाटा फायदा नहीं हुआ। अरे वैल्यू बढ़ेगा घटेगा तभी तो घाटा फायदा होगा, ठीक है। क्या हमने और किसी के बारे में बोला कोई लायबिलिटी के बारे में? नहीं सर, तो बस खत्म हो गई बात। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ कि टोटल फायदा कितना हो गया? 120 प्लस 80 2 लाख का फायदा हो गया, टोटल फायदा। तो आप क्या करना 2 लाख यहां पे लिख देना, 2 लाख आपका, और कह देना ये टोटल फायदा है, मतलब प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। ये ना कहना दिमाग को कि सर ये घाटे साइड फायदा क्या, नहीं बच्चे ये घाटा साइड है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकाला जी? देखो यहाँ पे खुद दिख रहा है टोटल फायदा, अगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग यहीं पे तो आएगा, ये 2 लाख का फायदा हो गया। और ये फायदा हम क्या करेंगे, वो क्या नाम है जी, राम, राम यानी कि राम के कैपिटल में ऐड कर देंगे, राम का हिस्सा, और दूसरा कौन है श्याम, तो श्याम के कैपिटल में ऐड कर देंगे श्याम का हिस्सा, राम एंड श्याम। जरा बताओ 2 लाख में किस रेशियो में जाएगा, जरा बताओ। यहाँ पे जो एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यू हो रहे हैं वो जो कि पहले क्रिएट हुए थे, पहले के एसेट्स लायबिलिटी को आज रिवैल्यू कर रहे हैं, तो इससे हुए घाटे फायदे को हम पार्टनर्स को 3:2 में देंगे या नए रेशियो में, बताओ हम फायदा किस में दें? सर 3:2 में। मेरे बच्चे कुछ भी मैं आपको रटा नहीं रहा, मैं हर एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूँ। आज के पहले का कोई भी चीज आज रिवैल्यू किया जाएगा और उससे कोई घाटा फायदा होगा तो आज तक के रेशियो में तो देंगे, यानी कि 3:2 में। इसको आगे लिखाऊंगा भी, तो जरा बताओ 3:2 में कितना हो जाएगा? सर 120 यहाँ पे आ गया और 80,000 का अमाउंट यहाँ निकल के आया, हो गया मेरे बच्चे। जरा इमेजिन करो, इमेजिन करो आंखें बंद करके क्या होने वाला है नए बैलेंस शीट में। जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें मैं अपने बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, यहाँ पे मशीन की वैल्यू को बढ़ा दूंगा और यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो 4 था उसमें 120 ऐड कर दूंगा, ये जो 6 है इसमें 80 ऐड कर दूंगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। लो हमने एक काम कर दिया। और मुद्दा ये नहीं है कि बैलेंस शीट टैली हो या ना हो मेरे बच्चे, मुद्दा है झगड़ा खत्म करना। अगर ये काम हमने नहीं किया ना, अगर ये काम नहीं किया तो मेरे बच्चे बहुत झगड़े होंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि जो फायदा हम दोनों का इस रेशियो में था अगर हम ऐसा ना करें तो आगे पार्टनर्स इस रेशियो में लेंगे जो कि चुभेगा किसी न किसी पार्टनर को जिसको लॉस होगा, इसलिए ऐसा ना हो। तो आज हम रिवैल्यू करेंगे, घाटा फायदा आपस में डिवाइड किया, ठीक है सर? हाँ सर हाँ। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो नया बैलेंस शीट में बनेगा बच्चे, हम उसको भी क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। हम देखो पार्टनर्स कैपिटल को कैसे अपडेट करते हैं। ये लीजिए आपका दो कॉलम, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैं दिखाता हूँ अपडेट कैसे किया जाएगा। बताओ पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, एक है राम और एक है आपका श्याम, एक है राम और एक है श्याम, है ना। देखो मैं क्या करूँगा, आप जानते हो कि पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना, मतलब बैलेंस शीट में जी 4 लाख का अमाउंट, 4 लाख, और ये कितना है 6 लाख का अमाउंट आपका, लिख दिया हमने। आप मेरे बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शंकर भगवान, सरस्वती माँ, काली माँ, दुर्गा माँ, जितने भी हमारे भगवान हैं, जितने भी हमारे क्या बोलते हैं वो गुरु हैं, जितने भी हमारे किसी भी धर्म के कोई भी भगवान अगर दुनिया में आ जाए आपके सामने और कहें कि नहीं जी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, तो हमेशा होगा, हमेशा, है ना। पार्टनर्स कैपिटल का अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और हम याद कैसे रखेंगे, मैंने इसे समझाया फिर भी दोबारा समझा दूं मेरे बच्चे, एसेट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने नाम होते हैं ना, जितने भी नाम होते हैं, इन सब का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में, ये हमेशा होगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी नाम आते हैं, कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, लायबिलिटी हो गया, इन सब का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाता है। और जितने भी आपके एसेट्स होते हैं अगर मैं इनका अकाउंट बनाऊंगा तो इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ होता है, डेबिट साइड होता है। तभी तो मैंने कहा था, तभी कहा था कि जिनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, इनका बढ़ना, इंक्रीज करना क्रेडिट किया जाएगा मेरे बच्चे, ओपनिंग बैलेंस हमेशा बढ़ने के बारे में, और घटेगा तो क्या करेंगे जी, डेबिट करेंगे। आप यहाँ भी देख लो, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है, है ना। तो ये कैपिटल जब जब आपका इंक्रीज होगा, जब जब कैपिटल को बढ़ाओगे क्रेडिट करोगे, और जब जब डिक्रीज होगा डेबिट होगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। मैं पता नहीं इतना क्यों समझा रहा हूँ, आप तो 11th क्लास के महारथी हो। अरे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस तो बढ़ना क्रेडिट घटना डेबिट का। खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे पे। ये देखो आप, ये 4.6 था, अरे ये प्रॉफिट जो हुआ ना 2 लाख का, इनके पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड करो। तो जरा बताओ प्रॉफिट को अगर पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड करूंगा तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू राम टू श्याम, तो इसमें हमने डेबिट में लिखा, तो इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। ध्यान देना, ये आपने लिखा बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, एंट्री बन रहा है रिवॉल्यूशन टू राम कैपिटल टू श्याम। ये तो प्रॉफिट बताया कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे बच्चे, हमने फंडामेंटल में समझाया है। तो रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इसमें टू तो इसमें बाय चला गया। बताओ इसमें कितना, 120, 1,20,000 रुपये, और इसमें कितना, 80,000 का अमाउंट। सिंपली जो प्रॉफिट हुआ था वो पार्टनर्स कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। एक झगड़ा खत्म, हम झगड़े खत्म कर रहे बच्चे, एक झगड़ा खत्म। सर हाँ, दूसरा झगड़ा सुनो, ये रिजर्व, आप बताओ रिजर्व जो 2 लाख का है, जो रिजर्व 2 लाख का है, रेशियो चेंज हो रहा है, मैं ऐसे ही छोड़ दूं क्या? क्योंकि मैं अगर आज इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ना बच्चे, तो फिर जिस चीज को हमने 3:2 में कमाया था, अब इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, झगड़े होंगे, झगड़े होंगे। तो जरा बताओ छोड़ दो, नहीं सर क्या करूं, कह रहा है रिजर्व को भी आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, रिजर्व को भी छोड़ना नहीं है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बताओ पार्टनर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस रिजर्व को हटा के कैपिटल में ऐड कर दूंगा, रिजर्व हटा के कैपिटल में ऐड कर दूंगा, और कैपिटल में अगर ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, बाय जनरल रिजर्व। लो रिजर्व का जो अमाउंट है वो भी मैंने पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दिया। करूंगा ना, पहले भी दिखाया था आपको, याद होगा पिछली क्लास तक में ये जितने रिजर्व होते हैं उनका ट्रीटमेंट दो तरीके से बताया था, या तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके नाम ही हटा दो, जैसे यहां से नाम हटा रहे हैं ऐड करके, या फिर आपका वो एडजस्टमेंट एंट्री, वो टेबल एंट्री के रिजर्व छोड़ दो जी बैलेंस शीट में, घाटे फायदे आपस में डिस्कस कर दो। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान देना, जब तक क्वेश्चन आपको साफ साफ ना बताए कि रिजर्व का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, मतलब बैलेंस शीट से हटाना है कि नहीं हटाना है, हमेशा मानोगे कि बैलेंस शीट से हटाना है। मैं अभी नोट भी लिखाऊंगा,
मतलब हमेशा क्या करना है, जब तक कुछ ना बताए तो रिजर्व को हटा के पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर देना। अगर वो कहेगा कि भैया रिजर्व को बैलेंस शीट में छोड़ दो, तब हम टेबल एंट्री की बात करेंगे। याद है ना पिछली क्लास तक की बात, रिवीजन कर लेना। ऐसा मत देखो कि मतलब मैंने बताया नहीं, सारी बातें समझाया मैंने। तो हमने क्या किया, कुछ यहाँ बोल भी रहा है कि भैया रिजर्व को आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट। आओ ना रिजर्व, आप यहाँ पे जरा बताओ 2 लाख में लो, कोइंसिडेंस है, ये भी 2 लाख था, ये भी 2 लाख था, कुछ भी हो सकता था। अब बताओ रिजर्व जो 2 लाख है किस रेशियो में जाएगा, 3:2। तो मेरे बच्चे 120 आपका और 80,000 आपका। हम तो बस झगड़े खत्म कर रहे हैं। हमने एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू कर लिया, घाटा फायदा पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया, हमने बैलेंस शीट में जो पहले से प्रॉफिट से निकाला हुआ एक रिजर्व था वो भी पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। ना तो ये नाम रहेंगे, ना कोई झगड़ा आगे होगा, ठीक है। और कोई झगड़ा सल्टाना है? नहीं सर, दो ही झगड़ा था, एक तो एसेट्स को रिवैल्यू करने पे घाटा फायदा और एक रिजर्व कर दिया सर हमने, बस। तो जरा बताओ इन दोनों का खत्म करने के बाद अब आपका कैपिटल का 2 बैलेंस CD कितना, मतलब कैपिटल कितना बच गया। ये देखो आप यहां पे समझा रहा हूं, 4 पहले से था, एसेट्स को रिवैल्यू करने में 120 का फायदा हमने कैपिटल में ऐड कर दिया और रिजर्व का 120 भी कैपिटल में ऐड किया, तो टोटल कितना हो गया, 6,40,000। और जरा बताओ यहां कितना, 7,60,000, यही हुआ ना, कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं ठीक तो है, गलत कहाँ कर रहा हूँ, आप ऐसे ही बोलते हो। तो लिखो ना इनका, आपका जो आपका यहाँ पे 640, तो यहाँ भी 640 हो गया, 640 में कुछ माइनस किया नहीं तो यहाँ पे 640 रह गया, और इनका 760 में हमने कुछ माइनस किया नहीं तो 760 ही रह गया आपका, ये हमारा कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो गया। मेरे बच्चे याद रखना, आप भूल के भी दुनिया को मत कहना कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बोलना झगड़े खत्म कर रहे हैं। दो झगड़े मुझे दिख रहे थे, एक रिजर्व रह जाता तो आगे डिस्प्यूट होता, हमने उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यू किया, जो घाटा फायदा हुआ वो भी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दिया, झगड़े सारे खत्म हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने कहा था भैया आप नया बैलेंस शीट बना के दिखा दो, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, आओ ना बनाते हैं, आओ बनाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के छोटा कर दूं, मुझे यहाँ जगह चाहिए आपके लिए। तो मैं आपको अब बताता हूँ, आपने पार्टनर्स कैपिटल के बाद बनाना है, मैं यहाँ बना देता हूँ। लिखो रिवाइज्ड बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब इन सारी एंट्रीज को पास करने के बाद अब आपका नया बैलेंस शीट कैसा बनेगा, जरा वो बता दो। आओ देखते हैं नया बैलेंस शीट रिवाइज क्या हुआ, बस आप मुझे बताते चलना, बताते चलना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, बिल्डिंग जो 8 लाख का था पहले, बताओ अब वो बिल्डिंग हमने कितने का कर दिया सर, 8 में हमने 120 का वैल्यू बढ़ाया था सर, 920 का हो चुका है, तो 920 लिखो, नई बात, नई वैल्यू, नई वैल्यू मेरे बच्चे, क्योंकि 8 पहले से था, 120 बढ़ गया तो 920 हो गया। अब तो अपडेट करूंगा क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल में घाटा फायदा ऐड कर चुके, दोनों सेट करना पड़ेगा। मशीन जरा बताओ जो बैलेंस शीट में 5 लाख का था अब कितने का हो गया सर, 5 के बाद 80 का फायदा रिकॉर्ड किया तो सर ये 5,80,000 का अमाउंट हो गया है, 580। आप बताओ डेटर्स जो 2 लाख के थे, क्या इस डेटर्स में कोई घाटा फायदा हुआ क्या? नहीं सर, तो 2 लाख ही वैल्यू रहा आपका। मैं सब पे नोट लिखाऊंगा, बस लिखो आप। कैश मेरे बच्चे जो पहले से 1 लाख था, कोई चेंज हुआ? नहीं सर, तो कैश 1 लाख ही रह गया। स्टॉक जो 4 लाख का था, स्टॉक में कोई चेंज हमने किया वैल्यू? नहीं सर, तो 4 लाख ही रह गया, 4 लाख ही रह गया मेरे बच्चे। तो ये हमने क्या किया जरा बताओ, अब हमारा एसेट साइड टोटल कितना हो चुका है, देखो जरा 15,17,18, ये 22 लाख की वैल्यू हो गई, 22 लाख का। यहां देखते हैं क्या होगा, जरा बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जरा बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि फर्म में अब जो दो पार्टनर्स हैं राम एंड दूसरा श्याम, इनका क्लेम कंपनी में बिजनेस में कितना रह गया? तो राम का हो गया है 640, राम का 640 और श्याम का कितना जी, 760। आप जानते हो, आप जानते हो इसमें हमने रिजर्व को भी ऐड कर दिया है और घाटा फायदा जो एसेट्स पे हुआ था वो भी ऐड कर लिया है। जरा बताओ टोटल कितना, 14 लाख का अमाउंट, 14 लाख का अमाउंट। क्या रिजर्व अब नाम यहां पे आएगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो चुका है। तो पता है ये जो जनरल रिजर्व है ना,
जनरल रिजर्व जो पहले 2 लाख का अमाउंट दिखा करता था अब बैलेंस शीट में नील हो गया। नील मैं लिख रहा हूँ, आप तो एग्जाम में लिखो ही ना, आप लिखना ही नहीं क्योंकि वैल्यू खत्म हो चुकी है, बस समझाने के लिए कि अब 2 लाख ये वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि पार्टनर्स में ऐड हो चुके हैं। तो मैंने नील लिखा, आप बुक में जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको दिखाना ही मत, मैं भी आगे नहीं दिखाऊंगा, बस इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। क्या क्रेडिटर्स जो 3 लाख का था, क्रेडिटर्स जो 3 लाख का था, इसमें कोई चेंज नहीं सर, तो 3 लाख ही रह गया लायबिलिटी आपका। और बैंक लोन जो 5 लाख था, इसमें कोई चेंज नहीं सर, तो बैंक लोन भी आपका 5 लाख रह गया। चेंज होता तब तो सर होगा, आगे देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं। कितना हो गया 22 लाख। लो अगेन आपका बैलेंस शीट टैली कर रहा है, और टैली करना ही था, करना ही था, कोई बड़ी बात थोड़ी की। जितने से एसेट्स को बढ़ाया पार्टनर्स कैपिटल में भी ऐड किया, 2 लाख रिजर्व कम कर दिया तो पार्टनर्स के भी यहीं से माइनस किया, यहाँ पे ऐड किया, बैलेंस शीट तो टैली होना ही था और होगा ही, ये कौन सी बड़ी बात है। मेरा अभी 8-9 महीने का, शायद अब एक साल का हो गया है मेरा बच्चा है, वो भी इस बात को जानता है, वो भी इस बात को जानता है। मेरे बच्चे जब वो सुबह उठता है ना तो बस मैं उसको यही बातें पढ़ाता हूँ, बस कुछ नहीं पढ़ाता। वो काका काका तो बाद में वो बोलता है, हम बोले ना बेटा ना, बस पार्टनरशिप बोलो। पार्टनरशिप में चेंज इन रेशियो अगर आज सीख गए ना बेटा, एक साल के हो तो भी क्या जाता है, आपको आगे कभी अकाउंटेंसी में जो चैप्टर्स आएंगे पार्टनरशिप का, उसमें दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो बीकॉम आपका आएगा, चाहे वो CA CMA CS MBA कुछ भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, आप परेशान नहीं होंगे। मैं उस लेवल की आपकी तैयारी करा रहा हूँ। आप कोई बाहर वाला बोले कि यार आप तो बहुत बहुत इनडेप्थ पढ़ रहे हो, ये तो गलत होगा। आप उसको जाना बोलना कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो अपने पास रखो जी, मेरे सर ने बोला है कि हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हम सीखेंगे, हम समझेंगे तो हम समझेंगे, और समझ के ही आगे बढ़ेंगे, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, ये बात हमारे सर ने कहा है, बस आप लिख लो इसको, आप लिख लो। हो सर ये तो हो गया सर, आप क्या करें सर, कुछ नहीं, एंट्री लिखा था ना जनरल एंट्री, वो भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। एंट्री सिखा देता हूँ मैं आपको, मैं एंट्री कहाँ करके दिखाऊँ, मेरे पास जगह की कमी है। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा के जगह बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका है और मुझे अभी सब आपको दिखाना है। इसको भी मिटा सकता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बस एक ही बात याद रखना, एंट्री करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि एसेट साइड का कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज होगा तो आप जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं, इधर का कोई भी नाम अगर आपका डिक्रीज हो जाए तो आप इसे क्रेडिट करते हैं। इधर का कोई भी लायबिलिटी साइड का कोई भी नाम मेरे बच्चे अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इंक्रीज कर जाए तो वो बचपन की बातें छोड़ देना, वो कम्स इन गोज आउट हमें नहीं पढ़ना, बकवास है। लायबिलिटी साइड का कोई भी नाम, कैपिटल हो, रिजर्व हो, कुछ भी, बढ़ेगा तो क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज करता है नीचे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और याद कैसे रखेंगे जी, जितने भी एसेट्स होते हैं दुनिया में उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। तो जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है उनका बढ़ना डेबिट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस जहां लिखते हैं वहां बढ़ने की बात करेंगे, और वैसे वर्षा घट गया तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी साइड में जितने नाम होते हैं मेरे बच्चे, लायबिलिटी साइड में जितने नाम होते हैं उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, सबका, इसलिए इनका बढ़ना क्रेडिट करेंगे। और यहां भी देखा था ये कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट किया था, घटना डेबिट किया था ना हमने। अरे लेजर हो चाहे एंट्री हो, दोनों में सेम ही रूल चलता है। अब वो बचपन की बात जो कमसिन गोज आउट था कि डेबिट वार्ड कमसिन, भूल जाओ, वो बकवास रूल है। वो हम जैसे जैसे बड़े होंगे वो बहुत परेशान करता है। कितने बच्चे आज तक आत्महत्या कर गए, कितने बच्चे मर गए मेरे बच्चे, इस वो डेबिट वार्ड कमसिन क्रेडिट वार्ड गोज आउट के चक्कर में। आपका समझ में नहीं आता कि वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल है कि पर्सनल, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बात है। हमने वो सोचना भी नहीं है, हमें तो इस रूल पर काम करना है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल। आ रही बात समझ में कि मैं चिल्लाया जा रहा हूँ? नहीं सर समझ रहे हो सर, बस आप एंट्री दिखाओ सर। लो फिर एंट्री दिखाता हूँ, लिखिए मेरे साथ इसका जनरल एंट्रीज। हमने क्या क्या एंट्री किया, नंबर वन, एक तो हमने बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाया था 120 से। मत देखो इसको, आप मत देखो, यहाँ देखो मेरी आंखों में देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाया था,
बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स का बढ़ना डेबिट किया जाएगा। नहीं बताया था मैंने, अरे एसेट्स का बढ़ना क्या डेबिट, तो पहली एंट्री हमारा क्या बन गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। लिखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। बताओ बिल्डिंग की वैल्यू हमने कितने से बढ़ाया था, 120 से, 1,20,000 रुपए। और ये बिल्डिंग बढ़ाने के बाद जो फायदा हुआ था, उस फायदे को हमने कहां ट्रांसफर किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 120। कोई दुनिया वाले पूछे कि यार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, आप कह देना कि जो एसेट्स लायबिलिटी को हम रिवैल्यू कर रहे हैं उससे हुए घाटे फायदे को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ताकि टोटल घाटा फायदा वहां पर इकट्ठा हो जाए। तो एंट्री बनकर तैयार हो गया, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री, हमने मशीन की वैल्यू कितने से बढ़ाया था, 80,000। स्लो, यहां देखो आंखों में देख के बात करो मेरी, मशीन की वैल्यू हमने 80,000 से बढ़ाया था, मशीन एसेट से बढ़ गया, क्या करेंगे डेबिट। तो मशीन की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, लीजिए मशीन अकाउंट डेबिटेड कितने से जी, 80,000 से बढ़ गया मशीन। और मशीन के बढ़ने से आपको घाटा हुआ कि फायदा हुआ, सिर्फ फायदा हुआ, कहां ट्रांसफर करूंगा फायदा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, ये लीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में कितना हो गया आपका, 80,000 का अमाउंट। अगर आपको नरेशन लिखना है एग्जाम में, मैं तभी लिखता हूं जब क्वेश्चन बोलता है, अगर लिखना है तो यहां पे क्या बोल देंगे, बीइंग बिल्डिंग, कुछ भी नरेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवैल्यूड, हमने बिल्डिंग को रिवैल्यू किया और यहां पे आपने बोला बीइंग मशीन रिवैल्यूड, ये नरेशन कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, मशीन रिवैल्यूड कह दो, मशीन रिवैल्यूड एट इतना कर दो, मशीन रिवैल्यूड बाय इतना कर दो, आपकी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने एंट्री कर दिया। अगर आप दिमाग यूज नहीं करना चाहते कि सर हमें यूज नहीं करना कि यार मशीन बढ़ गया तो ये करो घटो, कुछ नहीं, बताओ सिंपल तरीका, तो लो सिंपल तरीका जो आपने बचपन से सीखा है मेरे बच्चे, जब हम लेजर को एंट्री में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इधर का नाम जो होता है ना, जब एंट्री में करोगे तो डेबिट में आ जाता है, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, मतलब इधर का जब चीज एंट्री में होगा तो ये आ जाता है ऊपर में, और ये जब इधर का चीज आता है एंट्री में तो हम क्या बोलते हैं, देखो जरा कि यहां से देख लो एंट्री, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू राम टू श्याम, ये तो नरेशन है कि हमने प्रॉफिट दिया है, हमने एंट्री क्या बना लिया, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड, और ये इसमें क्या है जी, टोटल फायदा कितने का हो गया, 2,00,000 का, और ये हमने किसको दे दिया, राम्स कैपिटल अकाउंट में, राम्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या था वो, श्याम कैपिटल अकाउंट, तो श्याम कैपिटल अकाउंट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बताओ 2,00,000 में क्या रेशियो है, 3:2, ऐसे दिख भी रहा है, 120 यहाँ और 80,000 यहाँ पे। मेरे बच्चे ये दो एंट्री है, उसमें देखो 120, 80 का फायदा 2,00,000 का हुआ, वो 2,00,000 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई पूछे नरेशन क्या होगा तो बोल देना प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, नरेशन कुछ भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, है ना, यहाँ पे हमने एसेट्स को रिवैल्यू किया और जो फायदा नेट निकल के आया उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अगर आप इसको देखे बगैर एंट्री करना चाहते हो, इसको बिना देखे बगैर, तो देखो हम एंट्री कैसे बनाते हैं मेरे बच्चे, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या था, फायदा, ये टोटल फायदा जो 2,00,000 का था ना, अब हम उस फायदे को हटा दिए क्योंकि फायदा कहाँ चला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट चला गया, जैसे समझ लो आपकी मर्जी है, मेरा काम हजारों तरीके से समझाना है, मैं समझाऊंगा आपको जो अच्छा तरीका लगे उस तरीके से कर ले, अल्टीमेटली आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो दो एंट्री तो ये हो गया, और कोई एंट्री बनेगा सर, हाँ सर, वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का, रिजर्व जो पार्टनर्स में डाला था, तीसरी एंट्री, मैं इसको हटा देता हूँ, यही दिखाऊंगा, जगह की कमी है, आइए तीन एंट्री हो गया ना, चौथा एंट्री आपका, कोई भी एंट्री पहले कोई भी बाद में हो सकता है, दिक्कत नहीं है। जरा बताओ, स्लोली आंखें बंद करो और जरा बताओ, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के किस साइड में होता है, लायबिलिटी साइड में, बोलो ना, हाँ,
और लाइबिलिटी साइड में जितने भी नाम होते हैं उनका बढ़ना क्या करते हैं जी, क्रेडिट, और घटना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बताया था ना मैंने सर? हाँ, तो बताओ रिजर्व को बैलेंस शीट से हटा रहा हूं, मतलब रिजर्व को मुझे हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। रिजर्व कम कर रहे हैं, बैलेंस शीट से हटा रहे हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट कर दो। और ये रिजर्व हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल को। तो आपने राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड श्याम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट में हमने इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिजर्व था कितना, 2 लाख रुपीज। बताइए कितना कितना था, राम को कितना मिला था रिजर्व, 120, और श्याम को कितना मिला था, 80,000। नरेशन क्या, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड कह दो या क्रिएटेड कह दो, आपकी मर्जी, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन से रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो था, क्योंकि इसी रेशियो में कमाया था हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हो गई एंट्री कंप्लीट, एंट्री हो गया मेरे बच्चे, हमने कुछ भी नहीं किया। आप देखो ध्यान से, हमने एसेट्स एसेट्स को रिवैल्यू किया, उससे हुए घाटे फायदों को पार्टनर्स में ट्रांसफर किया, रिजर्व भी हमने पार्टनर्स में ट्रांसफर किया, एंट्री यही तो बनी थी। और अगर आप चाहो कि हमें ऐसे नहीं समझना, तो इधर का जब भी हम यहाँ से एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, इधर का जो भी नाम होता है डेबिट में आ जाएगा, एंड आपने टू राम श्याम वही हो गया, आप जैसे समझ लो, आपकी मर्जी। तो एक्चुअली मेरा जो पर्पस था, दैट हैज बीन फिनिश, कि भैया रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और क्या इसका मतलब होता है। मैं कुछ नोट अब लिखा दूं आपको, ताकि आपका जब रिवीजन का समय आए तो आपको मस्त तरीके से रिवीजन हो जाए, बार बार इन चीज़ों को आपको देखने की नौबत ना आए। तो आइए जरा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखेंगे आप मेरे साथ इम्पोर्टेंट नोट नंबर वन, नोट नंबर वन आपका लिखना, रिवेल्यूशन अकाउंट, रिवेल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या लिख दिया, एंड लाइबिलिटीज। मेरे बच्चे यहां जो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, यहां पे हमें रिवॉल्यूशन पे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसको जानने के लिए हम बनाते हैं, है ना। फिर आप यहां क्या करेंगे, नंबर टू में लिखिए आप प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवेल्यूशन। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ऑन रिवेल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ध्यान से ओल्ड पार्टनर्स। बच्चे जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे, मतलब पहले से, उनके बीच में अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी देखा था आपने ओल्ड पार्टनर्स जो थे राम श्याम, ओल्ड रेशियो 3:2 उसमें कर देंगे। नंबर थ्री, फॉर्मेट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। अगर मैं आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताऊं तो मेरे बच्चे आपको याद होगा मोटा मोटी तौर पे मैंने क्या बोला था, कि ये हमारा घाटा साइड है और ये हमारा फायदा साइड। ये आपके लिए है, एग्जाम में मत लिख देना घाटा फायदा, आपके लिए। और मैंने कहा था कि जब भी फायदा होगा, यहाँ फायदा कब कब होगा जरा बताओ, ऐसे फ्लैटरी में कब फायदा होगा, सिर्फ फायदा बताओ,
अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा, यानी कि अगर हमारे इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर हमारे एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी मेरे बच्चे तो फायदा होगा, या फिर डिक्रीज हो इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अभी हम ये बात डिस्कस करेंगे। अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब सर 5 लाख का बैंक लोन था, सुनो मेरी बात, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बैंक लोन 5 लाख का था, आज हमने बैंक वाले से रिक्वेस्ट किया यार थोड़ा कुछ कर्ज कम कर दो, बहुत ज्यादा है, बैंक वाला बोलता है ठीक है जी हम आपसे 4.5 लाख रुपए लेंगे, 50,000 रुपए छोड़ देंगे। सर ऐसा कभी होता है? बहुत होता है, बहुत रीजन है, हम उतनी अभी बात नहीं करेंगे, हम मुद्दे पे आ रहे हैं। अगर लायबिलिटी जितने बुक में था अगर वो मान जाता है कि आप मुझे कम कुछ पेमेंट कर देना, या दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, हमारा एक क्रेडिटर था जी, क्रेडिटर जिसे हमने कर्ज लिया था 2 लाख रुपए का, मर गया, वो पूरी फैमिली मर गई, पूरे रिश्तेदार मर गए, सारे दोस्त मर गए, कौन पैसा मांगने अब आएगा, सब मर गए, तो 2 लाख का फायदा हुआ ना, पेमेंट नहीं करना होगा जो बैलेंस शीट में था, हो गया फायदा। मेरे बच्चे कोई भी फायदा हो, चाहे एसेट्स के बढ़ने से, चाहे लायबिलिटी की वैल्यू कम होने से, कम होने का मतलब कि अब वो मुझे नहीं पे करना होगा, तो हम यहां पर फायदा रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से घाटा कब होगा? अगर कोई डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गया, मशीन 6 लाख का था, कहता है भैया आज लगता है उसकी वैल्यू सिर्फ 5 लाख रुपए रह गई, तो घाटा हो गया, या फिर लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, मतलब था कर्ज 5 लाख रुपए का बैंक लोन का, आज पता चला कि यार हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो कैसे मैं दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करो, 5 लाख का था, मान लो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ गई, घाटा हो गया। एक क्रेडिटर जो बहुत पहले मर गया था और हमने सोचा था कि पेमेंट नहीं करना होगा, वो बदमाश आ गया नया जन्म लेकर, कहता कि मेरा पेमेंट करो, ओहो लायबिलिटी अब फिर से पे करना हो गया, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू था वो बढ़ गया। हमेशा ये घाटा फायदा, हमें घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, वो बैलेंस शीट में पहले से कितना था हम उससे कंपेयर करते हैं। अभी दिखाऊंगा क्या बोलना चाहता हूं, सिंपली अभी ये समझो कि अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज कर गया तो हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। और मेरे बच्चे इसके बाद अगर आपका बैलेंसिंग फिगर यहां पे आता है, बैलेंसिंग यहां पे आने का मतलब हो गया कि ये साइड बड़ा था, मतलब फायदा ज्यादा था, तो ये आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर यहां बैलेंसिंग तो प्रॉफिट, रिपीट कर रहा हूं, यहां कब आएगा, जब ये साइड बड़ा होगा, मतलब फायदा ज्यादा होगा, तो ये जो होगा आपको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा जी, हमें देना होगा पार्टनर्स को, ये हम पार्टनर्स कैपिटल में हमें ट्रांसफर करना होता है, कौन से रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में, अगर यहां हुआ तो। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर आपका यहां पे आया तो मेरे बच्चे ये हम कहेंगे लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, यहां पे लॉस हो जाएगा। और क्या फर्क पड़ता है, लॉस भी अगर होगा ना तो हम पार्टनर्स कैपिटल में दे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन से रेशियो में जी, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि आज तक का कोई भी घाटा फायदा होगा तो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। समझे मेरी बात यहां पे? सर हां। अच्छा नोट नंबर फोर लिखना, ऑल रिजर्व ऑब्लिक प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेज ऑब्लिक एक्सपेंसेज अपियरिंग इन बैलेंस शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो
मेरे बच्चे जितने भी रिजर्व होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहाँ पे बात उठती है, क्योंकि सर इनका आपने दो तरीके का ट्रीटमेंट दिखाया था, या तो बैलेंस शीट से हटा दो या फिर बैलेंस शीट में रहने दो आपका, तो फिर हम किसको करेंगे सर कुछ ना बोले तो? रिजर्व जो है, जैसे मान लो कहता है जनरल रिजर्व, वो कहता है कि बैलेंस शीट से हटा दो, तो हम हटा देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। वो कहता नहीं जी भाई आप बैलेंस शीट में रहने दो, तो फिर हम टेबल एंट्री पास करेंगे, जो बोलेगा वो काम करेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर नहीं बोलता कि जो रिजर्व है, जो आपका प्रॉफिट है या जो लॉस है, उसका हमें मतलब टेबल एंट्री पास करना है या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बैलेंस शीट से हटाना है, अगर ना बोले तो फिर हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे हम यहाँ पे पांचवा नोट, या फोर्थ में इसको ए कर देना, फोर्थ में ही बी करो आप। अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली मेंशन, जब तक साफ साफ वो मेंशन नहीं करता, कहते हैं कि ऑल रिजर्व्स लॉसेज प्रॉफिट एक्सेट्रा शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो फुल स्टॉप। इट मीन्स नाउ दीज आइटम्स विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। मेरे बच्चे वो अब नहीं दिखेंगे, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अनलेस एंड अनटिल का मतलब कि अगर एग्जामिनर आपको साफ साफ शब्दों में कहता है कि भैया आपने इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर नहीं करना है, तब तुम वही काम करेंगे। वो कहता है भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ठीक है हम रिजर्व को हटा देंगे पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। बोलता नहीं जी रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाना है, तो ठीक हम टेबल एंट्री पास करें, मतलब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला। लेकिन कुछ ना बोले तो हमेशा इन नाम को आप हटाएंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देके काम खत्म करेंगे, झगड़े खत्म करना बस हमारा यहाँ पे। तो मेरे बच्चे हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे जो बातें समझाई हैं, इसमें एक बात हमने यहाँ दिखाया रिजर्व के बारे में लिखा, और तो कोई बात आज हमें नई चीज़ दिखी नहीं जो हम यहाँ पे आपको बताएं। और हाँ यहाँ पे आपका पांचवा पॉइंट लिख दो यहाँ पे इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट, जो नया बैलेंस शीट बनता है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज पार्टनर्स कैपिटल आर शोन एट अपडेटेड वैल्यू पब्लिक फिगर्स, जो नया वैल्यू या फिगर्स रहा उस पर हम क्या करेंगे, उसको हम शो करेंगे। ब्रैकेट में सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। लो सर अब ये एक्सेप्शन क्या आ गया, तो आज ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, बस इसको आप अंडरलाइन कर लो, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन गिवन इन क्वेश्चन या मेंशन इन क्वेश्चन। सर ये क्या है, ये आज की बात नहीं है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे सारी बातें, बट फिलहाल मेरे बच्चे बात यहीं तक करनी होगी, यहीं तक। आज पता नहीं क्यों कैसे समय गुजर गया, पता नहीं चला, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने बच्चे, कुछ नहीं पढ़ाया। चेंज इन प्रॉफिट रेशियो जो होगा उसमें हमने आज सिर्फ देखा रिवॉल्यूशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट,
मेनली जो नया चीज़ निकल गया, बैलेंस शीट अपडेट करना, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो बातें हमने देखी हुई है, तो आज कुछ नया नहीं। हाँ, रिवल्यूशन अकाउंट में घाटा फायदा, इसको घाटा इसको फायदा क्यों बोलते हैं, ये भी चर्चा का विषय होगा हमारी अगली क्लास में। लेकिन आज तो बस फॉर्मेट को आप रख लो, और किसी बाहर वाले को मत कहना कि यहाँ फायदा यहाँ घाटा लिखते हैं, तो समझाने का मेरा तरीका है, सॉरी घाटा और यहाँ पर फायदा, ये आपको आगे मैं और इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत समय ले रहा हूँ इस चैप्टर को समझाने के लिए, क्योंकि इसी चैप्टर पर आगे सारे चैप्टर्स हमारे टिके हुए। ठीक है बच्चों, तो आज आपको कोई अभी बुक का क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, आज बस इतने ही काम करें। एक रिक्वेस्ट है, या आपके सर हूं मैं, आपको एक छोटा सा ऑर्डर देता हूं कि पीछे के जितनी सारी बातें अभी तक आपने पढ़ा, फंडामेंटल से लेकर अभी तक, उनका एक प्रॉपर रिविजन कर लो। रिविजन करने का भी तरीका होता है, रिविजन का मतलब कभी नहीं होता कि एक एक क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस करना, ना बच्चे ना, ऐसा नहीं होता। रिविजन का बेस्ट तरीका बताता हूं, जो मैं भी हमेशा फॉलो करता हूं, आपको भी करना है। जो भी चैप्टर या टॉपिक को आप शुरू कर रहे हो, उसका कोई भी एक या दो क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करो, एक सिंपल एक टफ, बाकी पेज पलटो। नोट बनाया ना आपने, नोट्स लिखा है, अच्छा सर ने इसको ऐसे बताया था, ये मुझे आता है, मुझे आता है, अच्छा सर ने ऐसे बताया था, ये मुझे आता है, मुझे आता है, अरे ये मैं भूल गया। जहां भूल गए, या तो नोट में देख लो या फिर आप वीडियो में देख लो, बस यही तरीका फॉलो करना है। एक एक क्वेश्चन को बार बार आप इसको मतलब बनाओ तो कोई फायदा नहीं है। ये रिवीजन जो होगा ना, जो मैंने बताया, आपको हर एक 8-10 दिन में एक बार करना चाहिए। जो चैप्टर खत्म हो गया, फटाफट आपने कर लिया, जब एक बार रिवीजन हो गया, दूसरी बार जब रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, कोई भी दूसरा क्वेश्चन, बाकी पेज पलटना है। बिलीव करो, एग्जाम के टाइम पे अगर ऐसे आपने 10-12 बार कर लिया, एक एक क्वेश्चन आपके आंखों में बस जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये तरीका फॉलो करें, आपको मजा आएगा। खैर, आज की क्लास यहीं पे, अगली क्लास में हम इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों।